कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने मणिपुर के दौरे के दूसरे दिन दो राहत शिविरों का दौरा किया। शुक्रवार को सबसे पहले राहुल गांधी मोईरांग के कोंजेग बाम राहत शिविर पहुंचे और वहां रह रहे परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मोईरांग कॉलेज में मौजूद राहत कैंपों का मुआयना किया और वहां रह रहे लोगों का हालचाल जाना। संघर्ष के बाद से राज्य भर में अब तक तकरीबन 50,000 लोग 300 से ज्यादा राहत शिविरों में रह रहे हैं। राहुल गांधी के राहत शिविरों में पहुंचने की तस्वीरें ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, प्यार, भाईचारा और शांति का संदेश लेकर राहुल गांधी जी मणिपुर पहुंचे हैं। कल वे हिंसा के पीड़ितों और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले, उनका दुख बांटा, उनके आंसू पोंछे, उन्हें हिम्मत दी, ये भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। मणिपुर में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की ये यात्रा आज भी जारी है। बीते दिन राहुल गांधी 12 बजे मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से भी बातचीत किया। यही नहीं, गुरुवार को ही राहुल गांधी ने सरकारी हेलीकॉप्टर से हियांगतम और चूराचांदपुर के तुई बोंग में ग्रीनवुड राहत शिविर का भी दौरा किया था और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। गुरुवार को ही राहुल गांधी जब इम्फाल एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए चूराचांदपुर जाने के लिए निकले, तो विष्णुपुर में राहुल गांधी के काफिले को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस का कहना था कि सुरक्षा कारणों की वजह से राहुल गांधी को सड़क मार्ग से आगे जाने नहीं दिया जा सकता। विष्णुपुर के एसपी ने बताया कि राहुल गांधी समेत किसी को सड़क मार्ग से आगे नहीं जाने दिया जा सकता, हमारे लिए उनकी सुरक्षा प्राथमिकता में है। आगजनी हुई है और कल रात भी हालात बदतर थे, तब राहुल गांधी इम्फाल से करीब 20 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाए थे। इसके अलावा राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, मणिपुर के हालात को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार के पास वहां हालात को नियंत्रण में लाने की जिम्मेदारी है। ऐसी जरूरत नहीं है कि राजनीतिक नेता वहां जाएं, इससे हालात का समाधान नहीं होगा। अगर उनकी यात्रा का कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है तो यह दूसरी बात है, अन्यथा सिर्फ एक मीडिया एपिसोड होगा। हमें राज्य की दुखद स्थिति का कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। मेरा यही बोलना है कि अभी जो मणिपुर का परिवेश है, वो परिस्थिति को नियंत्रण करने का काम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। उस समय कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को वहां जाके जबरदस्त करना और जो रिजल्ट भी कुछ नहीं निकालेगा, मतलब काल वो आ जाएगा, उनका विजिट से कुछ पॉजिटिव होगा तो अलग बात है, वो तो एक खाली वन डे का एक मीडिया का जो कवरेज मीडिया एपिसोड वही होगा, उसका आगे और पीछे कोई रिजल्ट निकालने वाला नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि एक स्टेट का जो दुखदायक परिवेश है, एक बहुत ही ट्रेजिक सिचुएशन है, उनका एक पॉलिटिकल फायदा निकालने का हमें कोशिश नहीं करना चाहिए। यही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का मणिपुर में कई नागरिक समाज संगठनों और छात्र संघों ने कड़ा विरोध किया है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने राहुल गांधी से सड़क मार्ग के बजाय चूराचांदपुर जाने के लिए हेलीकॉप्टर से जाने का अनुरोध किया है, क्योंकि विभिन्न ग्रुप उनकी यात्रा का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी सड़क मार्ग से जाने की जिद पर अड़े हैं। राजनीतिक लाभ के लिए जिद्दी बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है संवेदनशील स्थिति को समझना। राहुल गांधी को इजाजत न मिलने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ने की जहमत नहीं उठाई है अभी तक, उन्होंने राज्य को अपने हाल पर छोड़ दिया है। अब उनकी डबल इंजन वाली विनाशकारी सरकारें सहानुभूति की सोच रखने वाले राहुल गांधी को रोकने के लिए निरंकुश तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और संवैधानिक और लोकतांत्रिक मानदंडों को तोड़ती है। मणिपुर को शांति की जरूरत है, न कि टकराव की। आज 2 महीने हो गए मणिपुर में प्रधानमंत्री के मुंह से हिंसा की भर्त्सना और शांति की अपील नहीं निकली। ये भी सच है कि अमित शाह वहां दौरे पर गए और जब वो वापस आए तो हिंसा और बढ़ी और लोगों की मौतें हुई। तो क्या प्लान क्या है? एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री ही नहीं है। उस मीटिंग में जो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव मणिपुर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको कुल गिनकर 3 मिनट बोलने दिया जाता है। आपका प्लान क्या है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए?
मीडिया को मैनेज करके आप मणिपुर की आग और हिंसा को शांत नहीं कर सकते हैं। मणिपुर के लोगों से बात कीजिए, उनका विश्वास जीतिए और जो ये कोशिश कर रहा है उस कोशिश को और आगे बढ़ाइए। गौरतलब है कि 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये रैली चुरचांदपुर के तोरबंग इलाके में निकाली गई। इस रैली के दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। 3 मई की शाम तक हालात इतने बिगड़ गए कि राज्य सरकार ने इनसे मदद मांगी। बाद में सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियों को भी वहां पर तैनात किया गया और तभी से मणिपुर के हालात बिगड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।